हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ विद मिक्स मैजिक। तो मैं लेके आई हूँ आज मेरी वन ऑफ फेवरेट रेसिपी, अपनी मम्मा के स्टाइल में। ट्राई करूँगी कि मम्मा की रेसिपी मम्मा के स्टाइल में बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने एक पैकेट मशरूम और हाफ के जी मटर लिए हैं। मशरूम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि मशरूम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाए और उसकी कुछ अनप्लीजेंट सी स्मेल भी होती है जो एक्चुअली मुझे थोड़ी नहीं पसंद, तो वो भी नहीं रहेगी। सो देन आफ्टर हम इसे उबले हुए पानी से निकाल के एक बार ठंडे पानी में डाल देंगे। अब हम 2 चम्मच तेल के साथ इसे कुक करके निकाल लेंगे। हम अपनी छौंक रेडी करेंगे जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, तेजपत्ता, हरी मिर्च, हरी प्याज, 2 कटी बारीक प्याज के साथ इसे सुनहरा होने तक पकने देंगे। हम मसाला रेडी करेंगे जिसमें मैंने 1 कटा प्याज लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ, जीरा, गरम मसाले में 2 लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन्हें अब हम फाइन पेस्ट बना लेंगे और अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए हरी प्याज जो है ना, विंटर्स में मुझे बहुत पसंद है। हरी प्याज, हरी लहसुन विंटर्स की ना सब्जियों में अलग ही टेस्ट आता है इसे डालने से, तो आप भी ट्राई कीजिए। और अब धीरे धीरे इसे धीमी आंच पे पकाते रहिए। मसाला धीमी आंच पे जितना पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये हल्दी डाल दी है मैंने। अब धीरे 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 5-10 मिनट में आपका मसाला पक के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें मटर भी साथ ही साथ डाल दी, क्योंकि मटर डाल दूँगी तो इससे इसमें मटर में क्रंचीनेस भी आएगी और मटर भी साथ साथ पक जाएंगे। तो मसाले और मटर को हम 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और जब तेल छोड़ने लगे ना मसाले में से तो समझो कि मसाला पक गया। देन आफ्टर मैंने टमाटर डाले हैं इसमें। मैंने 3 छोटे टमाटर डाले हैं। एक्चुअली मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैंने छोटे टमाटर डाले हैं। अब हम इसे मिलाते रहेंगे। मिलाने के साथ साथ आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मशरूम डाल दिया। अभी मशरूम डाल के इसे हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे और एकदम थोड़ा सा पानी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा टेस्टी सा मटर मशरूम रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताएं।